सबसे पहले हम 1.5 कप चॉकलेट केक प्रीमिक्स लेंगे। यह प्रीमिक्स की रेसिपी मेरे चैनल में पहले से अपलोड है, मैं लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा पहले। अब हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए इसका बैटर रेडी करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 30 ml के करीब कोई भी वेजिटेबल ऑयल या फिर मेल्ट किया हुआ बटर और 8 से 10 बूंद चॉकलेट एसेंस के। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने पहले से ही स्क्वायर केक टिन में बटर पेपर लगाकर ग्रीस करके रखा हुआ है ऑयल से। अब हम इसके बीचों बीच बैटर को डालेंगे। बैटर को डाल देने के बाद इसको टैप करेंगे अच्छे से और फिर इसको हम 10 मिनट पहले प्रीहीटेड ओवन में 160 डिग्री में 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर केक हमारा बेक हो गया है। अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसको हम लगभग 8 मिनट तक बीट करेंगे या फिर जब तक इसमें स्टिफ पिक्स ना आ जाए। व्हिपिंग क्रीम की डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। ये देखिए इसमें स्टिफ पिक्स आ गए हैं। ये देखिए क्रीम को हम फ्रिज में रख देंगे। अभी केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको अब हम बाहर निकालेंगे। तो पहले इस तरह चाकू से आप स्क्रैच कर लें। अब टैप करेंगे, केक हमारा बाहर निकल गया। अब बटर पेपर को निकाल देंगे हम। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक सेट को इस तरह बिछा कर रख दिया है। इसके ऊपर हम बेस को रखेंगे और एक बेस को हम 1/2 इंच ऊपर में रखेंगे और हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम शुगर सिरप लगा देंगे। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल में है, लिंक मिल जाएगा आपको। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना लगाएं, एक बराबर क्रीम लगाइएगा। क्रीम को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको हम इस तरह करते हुए रोल करेंगे। आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह रोल करना है, आप देख कर ही सीख जाइएगा। लास्ट में हम प्लास्टिक को भी इसके साथ ही रैप कर देंगे इस तरह करके और सिक्योर कर देंगे इसे दोनों तरफ से। अब इसे हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 30 मिनट के बाद अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे इस तरह करते हुए ध्यान से खोल देंगे। अब हम इसे बाहर निकालकर इसके ऊपर हम क्रीम लगा देंगे, क्योंकि हम इसे ब्लैक फॉरेस्ट बना रहे हैं तो इसके ऊपर व्हाइट कलर का क्रीम लगाएंगे। सब तरफ अच्छे से क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर हम चॉकलेट सेविंग्स लगा देंगे और हल्के हल्के करके दबा देंगे ताकि ये सरक कर गिर ना जाए। सब तरफ अच्छे से चॉकलेट को हमने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम छोटा सा फ्लावर बना देंगे और एक एक करके चेरी लगा देंगे, जिस तरह ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है। तो यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा स्विस रोल केक। इसको अब हम कट कर देंगे बीच से। तो यहाँ पर 4 पीस ही कट होगा, तो यहाँ पर मैंने एक कट करके डिस आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रेडी हो गया है हमारा।